Dada. मैं तो भूल ही गया हूँ क्या क्या इस फिल्म में हुआ था, क्योंकि कुछ दिन बीत गए हैं इसकी शूटिंग खत्म किए हुए, लेकिन इतना जरूर है कि स्क्रीन पे मुझे रोमांस करने का मौका मिला। काफी फिल्मों में तो जबरदस्ती करता हूँ, लेकिन इस फिल्म में रोमांस करने का मौका मिला और मेरा एक नहीं दो दो गेटअप है, दो दो लुक है। बड़ा आनंददायक रोल है मेरा और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक इंजॉय करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। इसका म्यूजिक भी बहुत सुंदर है, जिसके लिए हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत सुंदर म्यूजिक है, आप लोग सुनिएगा। और मेरा ख्याल है जब फिल्म 21 तारीख को रिलीज होगी तो लोग पसंद करेंगे, यही शुभकामनाएं मैं देता हूँ। और हमारे प्रोड्यूसर सुभाष जी और शैला जी, हेमंत कुमार हमारे डायरेक्टर, और हमारे तमाम स्टार कास्ट, हमारे डीओपी, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ लोग एब्सेंट भी हैं, बड़ा अजीब लग रहा है, मेरे फिल्में बहुत मिल गई हैं लोगों को, लगता है सब बिजी हो गए हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। शायद पहचान नहीं पाओगे कि जो मुझे बेसिकली वो साउथ इंडियन लुक दिया गया, ऐसा डायलॉग जो भी आवाज सुन रहे होंगे, तो इसलिए मैं इस होलिये में आया ताकि मेरा इमेज ब्रेक हो सके। सो इट वॉज फन, और इसमें इतने सारी हीरोइंस हैं हमारे फिल्म में भर भर के, और सर लोग हैं, और हम लोग ने एक महीना गोवा में, इट वॉज लाइक अ पार्टी। तो मतलब मूवी का एक प्रोसेस अलग था और हम लोग ने अलग सा जो मजा किया, और सर और राजपाल यादव, राज जी, शक्ति कपूर, तो बहुत सारे आर्टिस्ट है, तो इनके बहुत ही अच्छा फन फिल्ड टाइम था वहाँ। सो इट्स फन, और पहली बार मुझे नाचने का मौका मिला। आप लोग गाना देखोगे अन्ना लव, तो वो भी एक मौका मिल गया मुझे नाचने का, तो देखिएगा। एंड इट वॉज फन एंड इट्स अ सुपर्ब स्टार कास्ट, और जैसे सर ने कहा कुछ लोग मिसिंग है, तो हम लोग ये जितना कुछ हो सके बोलेंगे। मैडम आप कुछ कहिए। इनके जैसा मैं भी भूल गई हूँ मैंने क्या किया है। सिर्फ इतना मुझे मालूम है मैं हीरो की माँ हूँ, बस इसके सिवा सब भूल गई मैं, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आप लोग आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। That's what a movie is all about. Amazing star cast, amazing producers, amazing everything. Thank you. आगे आ रही ना। सर यहाँ मैम यहाँ
Honestly, I wasn't expecting this when this happened. I went for the usual audition and screen test and everything. मगर उसके बाद कहते हैं ना किस्मत में था मेरा ये किरदार निभाना and I think it was apt for me. हाँ मेरे लिए जैसे वो बना था ये रोल तो I think मैं दबंग हूँ भी दबंग सिंघम is the right title for me. So I think that's how we have got it and I want to share one very interesting thing that when I was doing the movie, I was simultaneously doing my exams also. So we had to actually doing Goa, we were shooting in Goa, the hometown, and we were doing all the hassle. But still, I tried my best to give it to the movie and I think I did the justice. Do you think it's a good start in terms of doing a solo film, you have chosen a character instead of choosing a lead leading lady of the film? I believe in a character, it could be in a multi-star film, it could be in a solo. That doesn't matter for me. What matters is the character. And I know if I can justice with the character, then what can be better than that? Did your team, your family of Ye Mohabbate knows about this and how they respond? No, actually nobody knows about this. Because I'm so ज़्यादा छुट्टियाँ लेती रहती हूँ कि मैंने ये ब्रेक लेके कब ये है मोहब्बते से मूवी करी. So they actually have no idea about it. But now I'm eagerly waiting to tell all of them and they'll surely be a part of our grand premiere. Okay, Manit came in. Manit also done a film. Manit Johar. You have done a film now. You are coming to the film. Is there a possibility we see Ye Mohabbate team along with you? Supporting your film, voting for you? Oh yes, of course, they've always been there, they've always supported me. So I think mere show ki cast mera backbone hai aur wo aayenge mujhe support karne ke liye. Karan aane wale hain. Karan, Divyanka, everyone is very happy and they have really loved the trailer also. I've showed the trailer to them aur unko bhi yahi lagta hai ki this character is made for me and it's going to be fantastic. Akhilesh sir, aap kya kehna chahenge is film ke bare mein, kya khaas aapko laga? We have seen the trailer, we have seen the पूरी फन लविंग फिल्म है. बहुत हल्की फुल्की कॉमेडी है. कोई भारीपन नहीं है इसमें कि आप थिएटर में जब आइएगा तो आप देख के भारी होके जाइएगा, हंस के जाइएगा, मजा करके जाइएगा, लाइट होके जाइएगा. और हर तरह के अलग अलग किरदार हैं. एक अलग कॉन्सेप्ट है कि एक लड़का लव ट्रेनिंग स्कूल खोल देता है और उसमें मेरे जैसे बूढ़े भी आ जाते हैं. और बाद में जब मेरा गेटअप चेंज होता है तो पता चला कि वो जवान भी हो गया. वो बाल बाल काले कर लिया, वो शॉर्ट पैंट पहनने लग गया, जो जैकेट बूढ़ा था, कैप पहनता था, ऐसे वैसे. सो इस तरह से एक साधु है, उसको भी प्यार हो जाता है एक लड़की से. एक भिखारी है जिसको इंस्पेक्टर से प्यार हो जाता है. तो इस तरह की एक कहानी पिरोया गया है जो बहुत ही सुंदर ढंग से है. और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए एक नई चीज़ होगी, एक नया कॉमेडी कुछ होगा. मुझे नहीं लगता कि बफून होगा ये बाकी अधिकांश कॉमेडी फिल्मों की तरह. इट वॉज एन इंटरेस्टिंग पार्ट. सी उसमें ही तो कॉमेडी बनती है ना. जब भी राजपाल जी और ये दबंग आती है हमारी तो उसमें तो कॉमेडी है, इसके लिए हमने ले लिया. आई थिंक सारे कैरेक्टर्स ही ऐसे हैं कि सर जो प्ले कर रहे हैं, सर को मोहब्बत हो जाती है एक रेडियो जॉकी से. सो दैट कम्स आउट एज अ कॉमिक टाइमिंग. एंड ऑल्सो शक्ति जी फॉल्स इन लव विद अ बार डांसर. तो सबका बहुत ऑड ट्यूनिंग है एंड दैट्स द फ्लेवर ऑफ द मूवी. सॉरी, आई थिंक उसके लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं है. आई एम ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दैट. जहाँ कोई दबंग नाम है उसका. राजपाल के साथ भी लोग टाइम मैनेज करते हैं.
screen space with Rajpal. Yeah. So, kitna uncomfortable tha, comfortable. There is a huge difference between of height, you and Rajpal. Coming in a same frame. I think other than the difference of the height, aur koi difference tha hi nahi on set, kyunki unhone first day se sabko all the actors, matlab Aklender ji se mujhe bahut dar lagta tha, par sir se jab baat karni shuru ki, I found him as a very cute person. तो शक्ति जी ले लें, राजपाल जी, सबने इतना कंफर्ट लेवल बना दिया था सेट पे कि किसी को भी ये नहीं लग रहा था, ओह शिट, वी आर वर्किंग विद सच बिग एक्टर्स एंड सच बिग स्टार्स. तो आई थिंक न्यू कमर्स के लिए ये बहुत अच्छा होता है कि उनको कंफर्टेबल फील कराना ऑन सेट. एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, क्योंकि जब मैं पहुंची थी तो वहाँ पर सॉन्ग शूट हो रहा था, तो सॉन्ग्स हमारी मूवी के इतने क्रेजी हैं कि मैं खुद एक्साइटेड हो गई थी, मैं खुद सीटियाँ मारने लगी थी, डांस करने लगी थी. तो आई थिंक इज गोइंग टू बी रियली गुड. थैंक यू सो मच. थैंक्स.